अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिज़ाइन करेंगे एक ब्लॉग वेबसाइट बहुत ही शॉर्ट वे के अंदर। तो चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और मैं आपको दिखाता हूँ कि विक्स के ऊपर ब्लॉग वेबसाइट किस तरह से क्रिएट करनी है। हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। सिंपल, आपने यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट न्यू साइट के ऊपर। क्रिएट न्यू साइट पे जाने के बाद यहाँ पे हमसे पूछेगा आपको किस तरह की वेबसाइट चाहिए। ऑब्वियसली एक ब्लॉग वेबसाइट चाहिए, सिंपल इस पर सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे हमें किस तरह का ब्लॉग चाहिए, लेट्स से पर्सनल ब्लॉग, पोइट्री ब्लॉग, डांस ब्लॉग, लेट्स से मैं यहाँ पे स्टूडेंट ब्लॉग पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे मैं विक्स ट्रेनिंग के नाम से ब्लॉग मैंने बनाना, तो मैंने उसका नाम यहाँ पे लिख दिया। अब सिंपल ये पूछेगा कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए इसके अंदर। ब्लॉग वाली ऐप चाहिए, चैट वाली ऐप चाहिए, तो ब्लॉग के अंदर मेरे ख्याल से चैट का कोई मतलब नहीं बनता, तो मैंने इसको नॉन सेलेक्ट कर दिया। और यहाँ पे हमारे पास सब्सक्राइबर्स का ऑप्शन होना चाहिए, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, उसके अलावा पोर्टफोलियो का कोई ऑप्शन नहीं है, इवेंट का कोई ब्लॉग के अंदर सेंस नहीं बनता। ऑनलाइन स्टोर का, अगर कुछ ऐसे ब्लॉग बनाना चाह रहे हैं जिनके अंदर ऑनलाइन स्टोर आपको चाहिए, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो राइट नाउ मुझे मेरी बस यही रिक्वायरमेंट है कि ब्लॉग और एक फॉर्म्स, तो मैं इसको नेक्स्ट कर दूंगा। ये वाली ऐप्स आप बाद किसी और वेबसाइट जो ऑलरेडी बिल्ट इन है विक्स के ऊपर, कोई बिजनेस वेबसाइट और उसके अंदर ब्लॉग करना, तो आप ब्लॉग की ऐप जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम आ चुके हैं ये, और यहाँ पर ये कह रहा है स्टार्ट विद योर बिगिन विद द टेम्पलेट। मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप इसी ऑप्शन के साथ जाएं, इस ऑप्शन के साथ मत जाएं। ये दोनों ऑप्शन हम पिछले लेक्चर्स के अंदर देख चुके हैं। तो हम सिंपल क्लिक करेंगे बिल्ड विद द टेम्पलेट। तो यहाँ पे जैसे ही हमने क्लिक किया तो हमारे पास ब्लॉग्स के डिफरेंट जो हैं टेम्पलेट्स नज़र आ चुके हैं। तो यहाँ पे देखें जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो मुझे ये खासा अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको सिंपल क्लिक करूँगा ट्राई। ट्राई पे क्लिक किया, यहाँ पे मुझे जो जो चीज़ें चेंज करनी है, मेरे ख्याल से ये जो फॉन्ट कलर है और ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं, तो मैं इसको यूज़ टेम्पलेट कर लूँगा इसी तरह से। तो मैं इसको ज़रा एडिट टेम्पलेट पे आ गए, तो यहाँ पे ये लोड करेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा पूरी टेम्पलेट को लोड करने में, तो इसको हम तब तक लोड होने देते। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो है हमारी टेम्पलेट कम्प्लीटली लोड हो चुकी है। अब इसके अंदर जो चीज़ें भी आपने एडिट करनी है वो आप एडिट कर लें, जो चीज़ें भी आपको नहीं चाहिए वो आप चेंज कर लें। लेट्स सपोज मुझे इंस्टाग्राम का हैंडल जो है वो चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल डालूँगा एहसान दानिश 0, तो आप भी जाके फॉलो कर सकते हैं। तो ये मैंने इस तरह से डाल दिया। इनके ऊपर आपको लिंक लगाना है, तो वो सारी चीज़ें सेट सोशल लिंक्स क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको चेंज करनी पड़ेंगी वो चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये देखें लिंक्स का ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे जो मेन बात है वो है ब्लॉग्स की, कि हम अगर ब्लॉग्स यहाँ पे, जैसे ये ब्लॉग आ रहा है, ये तो डिज़ाइन हो गया, अब ये जो ब्लॉग्स हैं वो हम कैसे ऐड करेंगे। तो हम चलते हैं यहाँ पे पेजेस एंड मेन्यू के अंदर और यहाँ पे हम आ जाते हैं ब्लॉग वाले पेज के अंदर। ठीक है, जैसे ही हम ब्लॉग वाले पेज पे आए तो हमें यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ गया मैनेज पोस्ट। ठीक है, अभी इसके अंदर जैसे डमी जो पोस्ट हैं वो ये वाली हैं, यहाँ पे देखें ये वाली पोस्ट है, हमने कोई पोस्ट डिलीट करनी है, नई पोस्ट ऐड करनी है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ऑलरेडी आ चुका है मैनेज पोस्ट। और जगह पे आपको कहीं पे भी ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है यहाँ पे मैनेज पोस्ट का, तो सिंपल आप क्या करोगे, मैनेज पोस्ट पे क्लिक करोगे, तो ये यहाँ से सेव कर रहा है, तो थोड़ा सा टाइम लेगा जब तक ये सेव हो जाता है, उसके बाद ये इसको ओपन करेगा। तो जैसे वो सेव हुआ हमारा जो मैनेज पोस्ट वाला सेक्शन है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा और यहाँ पे हमें वो सारे ऑप्शन, सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी जहाँ से आप अपना ब्लॉग्स को मैनेज कर सकते हैं। ये देखें ये वाला ऑप्शन, ये आपको मेन डैशबोर्ड के अंदर भी मिल जाएगा,
तो यहाँ पे देखें, ये हमारी पोस्ट यहाँ पे शो हो रही है और यहाँ पे ये हमारी पोस्ट है। अगर मुझे कैटेगरीज बनानी है तो यहाँ से कैटेगरीज बना सकता हूँ। अगर मुझे क्रिएट नई पोस्ट करनी है, कोई पेज डिलीट करनी है, तो ये इस तरह से मूव टू ट्रैश करूँगा, वो डिलीट हो जाएगी। कोई एग्जिस्टिंग पोस्ट एडिट करनी है तो मैं इस तरह से क्लिक करूँगा और मेरे पास कंप्लीट एडिटर शो हो जाएगा, जिसके अंदर ये टाइटल है और यहाँ पे हमारे पास वो पोस्ट है। और यहाँ पे हम कुछ भी ऐड करना चाहें, इमेजेस और मोनेटाइज के लिए हमें कोई ऐड लगाना है अपने ब्लॉग के ऊपर, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ से कर सकते हैं, राइट। इसको अभी के लिए मैं कट कर आउट करूंगा। अब ये ब्लॉग वाला सेक्शन आप या अगर यहाँ से शो नहीं करना चाह रहे, बार बार आप एडिट तो नहीं करोगे ना अपने पूरी डिज़ाइन को, और यहीं पे आके मैनेज पोस्ट पे तो क्लिक नहीं करोगे, तो आपको क्या करना है, आपको जाना है वापस यहाँ पे डैशबोर्ड का ऑप्शन, ये माई डैशबोर्ड। जैसे आप डैशबोर्ड के ऑप्शन में जाएंगे तो आपको सेम वही ब्लॉग वाला ऑप्शन मिल जाएगा। अब आपकी वेबसाइट कंप्लीट डिज़ाइन हो चुकी है या आपके क्लाइंट की, अब जस्ट आपके क्लाइंट ने या आपने आना है अपने डैशबोर्ड के अंदर, और जो भी ब्लॉग पोस्ट करनी है, राइट अप करनी है, वो सिंपल इस ऑप्शन पे आएगा और काफ़ी सारी जो पोस्ट हैं वो यहाँ पे नजर आएंगी। कोई नई पोस्ट ऐड करनी है यहाँ से वो अपना पूरा ब्लॉग मैनेज कर पाएगा। तो आई होप आपको समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।